सो गाइस फाइनली रियलमी ने कंफर्म कर दिया कि रियलमी अपना 7 अप्रैल को एक 4G वेरिएंट इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा। यह स्मार्टफोन होगा रियलमी 9। रियलमी 9 का 4G वेरिएंट इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है, वो भी 7 अप्रैल को। इस फोन के फर्स्ट लुक भी बाहर आ चुके हैं। 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको इस स्मार्टफोन के, गोल्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, तीनों के तीनों बढ़िया कलर ऑप्शन है। डिजाइन काफी यूनिक है। आगे जाकर के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस फोन के अंदर आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, किस प्राइस बेस पर आएगा और इसका फर्स्ट लुक कैसा होने वाला है। सो गाइस जानकारी के लिए बने रहे वीडियो में तक। तो चलिए गाइस फटाफट से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो आगे और पीछे दोनों में ग्लास मिलेगा। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, प्लास्टिक की फ्रेम के साथ आएगा। तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिलने वाली है, यहाँ पर आपको शिकायत नहीं आने वाली। डिजाइन भी आप वीडियो में देख लीजिए, काफी अच्छा डिजाइन है। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं आएगी। गाइस अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले साइज की। तो यहाँ पर 6.4 इंच की सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, वो भी फुल HD प्लस वाला। और यहाँ पर 90 गीगाहर्ट्ज़ का स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। यहाँ पर गेमिंग करने के लिए 360 गीगाहर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेशियो देखने को मिल जाएगा। HDR 10 प्लस की सर्टिफिकेशन, वाइडबैंड L1 की सर्टिफिकेशन के साथ आएगी ये डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में आपको शिकायत नहीं आने वाली और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो ओवरऑल आउटडोर में आपको ब्राइटनेस में कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली इस डिस्प्ले के साथ। ऑनलाइन कंटेंट वॉचिंग करने, गेम खेलने एंड वीडियो एडिटिंग करने के मामले में आपको इस डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं आने वाली। गाइस अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में क्वालकॉम की तरफ से एक ओल्ड प्रोसेसर मिलेगा, वो भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680, जो कि ओल्ड प्रोसेसर है, 4G वेरिएंट है ये और 6 नैनोमीटर प्रोसेसिंग में भरा हुआ है। काफी लो पावर कंज्यूम करता है, वैसे पावर एफिशिएंट होगा। सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ऑक्टा कोर सीपीयू परफॉर्मेंस मिलेगी, वो भी 64 बिट वाली। क्रायो 265 का यहाँ पर सीपीयू कोर मिलेगा, जो कि एक ओल्ड सीपीयू है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की पीक क्लॉक स्पीड मिलने वाली है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको एवरेज मिलेगी, परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं है। वैसे यहाँ पर बात करेंगे इसमें ग्राफिक्स की, तो एडिनो 610 का यहाँ पर GPU मिलेगा, जो काफ़ी फास्ट रेंडरिंग के साथ आएगा। तो गेमिंग आप अच्छी कर पाएंगे, वैसे एवरेज गेमिंग कर पाएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर, ज्यादा हार्ड गेम नहीं कर पाएंगे इस स्मार्टफोन। सो गाइस अब बात करते हैं फोन के मेन कैमरे की। तो ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप मिलेगा आपको बैक में, और यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। और यहाँ पर सैमसंग का ISO सेल HM6 सेंसर देखने को मिलेगा, काफी अच्छा मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर दूसरा कैमरा जो मिलेगा वो मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का, एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। 4K का ऑप्शन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको नहीं मिलने वाला। गाइस अब बात करते हैं सेल्फी कैमरे की। तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और यहां पर भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। 7.9 mm की थिकनेस के साथ आएगा, काफी लाइट वेटेड होगा, 178 ग्राम इसका वेट होने वाला है। बैटरी बैकअप में आपको 5000 mAh की बैटरी प्लस 33 वाट फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा आपको चार्जिंग के लिए। ओवरऑल बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर LPDDR4X वर्जन वाला रैम टाइप और UFS 2.2 वर्जन वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में आएगा, 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। इस फोन के अंदर आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद में जाकर के कंफर्म होने वाला है। गाइस अब बात करते हैं फोन के प्राइसिंग की। तो जिस प्रकार के स्पेसिफिकेशन है, ये स्मार्टफोन 13000 से 15000 के बीच में लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। सो गाइस ये थे रियलमी 9 4G वेरिएंट के कंफर्म स्पेसिफिकेशन। आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।